तरीके से आज एम बी विलास का इनॉग्रेशन आप लोगों ने किया है, क्या सोचकर किया है? देखिए, आज शुरुआत जो है एम वी गंगा विहार की शुरुआत है, और बिहार में बहुत स्कोप है टूरिज्म को देखते हुए, और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग जो है 5-6 साल से पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था, हम लोगों ने इनिशिएटिव लेके इसकी शुरुआत कराई है। और पटना के लोग या बिहार के लोग कोई भी जो है इस सर्विस का जो है उपयोग कर सकते हैं, और इसमें बर्थडे पार्टीज हो या सेलिब्रेशन की कोई बात हो या रिंग सेरेमनी हो, इसमें रेस्टोरेंट की भी व्यवस्था है, और ये 2 फ्लोर में है। इसके अपर डेक में हम लोग अभी खड़े हैं, मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं नज़ारा, साइट सीइंग का नज़ारा गंगा में रह करके। पटना जो पुराना पटना सिटी जो रहा है, उन इलाकों से जो अब आप जा सकते हैं, गुजर सकते हैं, पटना का नज़ारा का लुत्फ़ उठा सकते हैं, तो काफ़ी बहुत ही बढ़िया पर्यटन को देखते हुए ये है। हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा हम लोग टूरिस्ट लोगों को दें। इसके लिए कई इलाके बिहार में ऐसे हैं, चाहे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हुआ या बांका में उड़नी डैम हुआ, बिहार आप राजगीर चले जाइए, नालंदा चले जाइए, वैशाली चले जाइए, अशोका मौर्य पहली यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में यहीं, फर्स्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड भी यहीं, बुद्ध की धरती रही है, चाणक्य की धरती रही है, महावीर जैन सीता मैया की धरती रही है, तो बिहार में या गुरु गोविंद सिंह जी जो आखिरी गुरु जो रहे सिख धर्म में, यही पटना में उनका जन्म हुआ। सब कुछ जो है पटना में इतना स्कोप है या बिहार में इतना स्कोप है टूरिज्म को लेकर के, तो इसका जो है और बेहतर हम इसको डिफरेंट लेवल पे कैसे ले जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जाएं। और बिहार के ऐसे जगह हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, जो मैप में लोगों को नज़र नहीं आता है टूरिज्म के क्षेत्र में, तो हम चाहते हैं कि ऐसी जगहों को हम विश्व के सामने ले जाएं, देश में हर जगह इसका ब्रांडिंग करें, बाहर भी ब्रांडिंग करें, ताकि पर्यटक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार आ पाए। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गंगा मतलब पहला पटना है जहाँ गंगा जी को लेकर जाना जाता है पटना को, यहाँ इतने सारे स्कोप हैं, आप कहीं भी देखिएगा जहाँ पे समुद्र के किनारे या जहाँ पे बीच है वहाँ पे टूरिस्ट कितने जाते हैं, गोवा हो मुंबई हो, तो गोवा से ज़्यादा टूरिज्म जो है बिहार में आता है, गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है फुटफॉल जो है वो बिहार का है। आप लोग सब लोग जानते हैं, चाहे पिंडदान में इतने लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और पूरी साउथ एशियन कंट्री से जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध की धरती रही है, उसको देखते हुए लोग जो है बड़ी संख्या में बिहार आते हैं। हम लोगों को चैलेंजिंग ये है टूरिज़्म डिपार्टमेंट में कि जो टूरिस्ट आए वो 1-2 दिन के लिए ना आए, इनको होल्ड किया जाए, लंबे समय तक रोका जाए। इसको देखते हुए हम लोगों ने जितने भी टूर गाइड्स थे उन सब लोगों के साथ या टूर ऑपरेटर्स वगैरह हैं, इन सब लोगों के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बर्लिन में जो इंडिया ने स्टॉल लिया उसमें बिहार का भी स्टॉल है, तो ये खुशी की बात है। हमारे अधिकारी पर्यटन विभाग से हम लोग बर्लिन भी जो है लोगों को भेज रहे हैं। एक सवाल कि क्या गंगा में बहुत ज़्यादा स्कोप है, अगर यहाँ आप चाहें नहीं तो गंगा जी में तो बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। अभी आप देखिएगा प्लानिंग ऐसा कुछ है फ्यूचर का? एकदम वाटर स्पोर्ट्स से लेकर के डॉल्फिन, जो गैंजिस डॉल्फिन होती हैं उनकी साइट सीइंग है, बहुत जगह जो है इस तरह की व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं कि कराई जाए। और ये जो आप देख रहे हैं मरीन ड्राइव, जो लोग कहने लगे हैं इस रोड को, अब यहाँ हम लोग जो है एक रिवर फ्रंट के तौर पे इसको डेवलप करने का हम लोग प्रस्ताव जल्दी ही ला रहे हैं, और DPR वगैरह हम लोग बना रहे हैं, और ये जब एक बार रिवर फ्रंट बन जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास ऐसा रिवर फ्रंट जो है कहीं नहीं बना होगा।